हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शालिनी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। आप जुड़े शालिनी क्लासेस, मैं हूं शालिनी, आप सभी का यहां पर स्वागत करती हूं। आज की इस क्लास में हम शिक्षण अधिगम के आपके वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चन करेंगे जो कि 1 नंबर के आते हैं। आपका यह पेपर दूसरे दिन होगा। 50 नंबर का पेपर है, 40 क्वेश्चन हैं। अच्छा नंबर मिल जाता है क्योंकि उसमें अच्छा आंसर राइट करके बढ़िया लिख लेते हैं, लिखने में आसानी होती है और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो बढ़िया हो जाता है नंबर। ठीक है, मैंने आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने के लिए बोला था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगी कुछ जो है सेलेक्ट करके, तो वो यही पीडीएफ है और ये आपको क्वेश्चंस ध्यान रखने हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे मुझे देनी है जो मल्टीपल टाइम रिपीट हो रही है, जो मल्टीपल टाइम आ रही है, देखी गई है, मतलब एक उम्मीद है कि ज़्यादा आ सकता है। तो ऐसे सेट के क्वेश्चंस यहाँ पर रहेंगे। मैंने आपको सीरीज़ में सब कुछ पढ़ा दिया जो आपकी सीरीज़ में दिया गया था। अब मैं आपको जो इंपॉर्टेंट मैंने बोला था कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी, वो सारे पीडीएफ यही हैं। अब वो मैं करवाना स्टार्ट करूंगी और डेली आपको एक एक सब्जेक्ट में नया कुछ बता के मैं करवाऊंगी। आपको आज कुछ मिल जाए, कल कुछ मिल जाए, किस सब्जेक्ट में कुछ, ऐसी चीज़ें आपको अच्छे से मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए फिर पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया क्यों कहा जाता है। आपने इसको बहुत बार पढ़ा है, त्रिमुखी शब्द भी बहुत बार सुना है। शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया क्यों कहा जाता है, क्या रीज़न है, क्या चीज़ें इसके अंतर्गत यहाँ पर आ रही हैं, तो आप उत्तर भी बता सकते हैं, इसका आंसर राइट कर सकते हैं। कि कुछ विद्वानों ने, कुछ विद्वान की जगह आप मनोवैज्ञानिकों का नाम भी लिख सकते हैं या मनोवैज्ञानिक लिख सकते हैं, कुछ विद्वानों ने शिक्षा की प्रक्रिया में निहित प्रक्रियाओं का उल्लेख करते हुए बोला है शिक्षा की जो प्रक्रिया है, शिक्षा का, पढ़ाई का जो प्रोसेस है, जो तरीका है, जो विधि है, जो सिस्टम चलता है, उसमें ऐसा उल्लेख करके ये बात लिखित की है या बताई है, प्रदर्शित की हुई है। इस मान्यता के अनुसार कहा गया है कि शिक्षा के 3 अंग हैं। त्रिमुखी का मतलब है कि कोई 3 चीज़ें उसमें सम्मिलित हैं, तो एक उसमें शिक्षक सम्मिलित है, एक उसमें पाठ्यक्रम है, एक उसमें बालक है, ये 3 उसमें मिक्सड हैं। इस मान्यता के अनुसार, इस मान्यता के अकॉर्डिंग शिक्षक तथा बालक के मध्य पाठ्यक्रम के माध्यम से संबंध स्थापित होता है। शिक्षक, बालक और जो कैरिकुलम, जो सिलेबस है, उसके बीच में एक, उन तीनों के बीच में एक रिलेशन बिल्ड होता है। तो वही इसी वजह से जिसको शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया कहा जाता है, जिसमें ये 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो ये एक अच्छा आंसर राइट है। आप 1 नंबर में आराम से इसको लिख सकते हैं। और अभी तो बहुत छोटा दिख रहा है, जब आप 1 नंबर में इसको लिखेंगे तो ये आपको 75 वर्ड लगभग हो जाएगा और आराम से आप दूर दूर डिस्टेंस बनाकर साफ राइटिंग में लिख दीजिएगा। और लिखते वक्त एक बार ध्यान रखिएगा, जैसे आपने लिखा है तो जैसे शिक्षक आया यहाँ पर, यहाँ या तो आप इसको ब्लैक पेन से लिख दो, ब्लू सारा लिखो, इसको ब्लैक से लिख दो, और या तो अंडरलाइन कर दो, तो वो चीज़ थोड़ी अलग हटके हो जाती है और नंबर भी अच्छा मिल जाता है कि बच्चा कुछ दर्शा रहा है, कुछ इंडिकेट कर रहा है कि ये चीज़ें यहाँ पर मैंशन है। 1 क्वेश्चन 1 नंबर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है, शिक्षण सूत्र को परिभाषित कीजिए। ये आपके एक बात ध्यान रखिएगा, ये चैप्टर 1 का है और चैप्टर 1 में अभी ओवर नहीं हुआ है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका पार्ट 1 कर लो। ठीक है, पार्ट 1 कर लो। ये आपके जो चैप्टर 1 है, शिक्षण अधिगम की जो किताब आपकी है, मतलब जो आपका चैप्टर 1 है, जैसे संप्रेषण, संचार वगैरह दिया है, उस चैप्टर से क्वेश्चन। और मैं ये रिवीजन आपको शुरुआत से करवा रही हूँ। ये शुरुआत के पहले चैप्टर का, शिक्षण अधिगम का जो पहला चैप्टर, जो पहला टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है, उस टॉपिक से क्वेश्चंस हैं और वहाँ से आपको शिक्षण अधिगम शुरुआत किया है। ऐसे एक सब्जेक्ट को मैं शुरुआत करूँगी और सारे क्वेश्चंस मैं करवाऊँगी आपको जो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं तो आपके सिलेबस में दिए गए हैं। ठीक है, और ये मेरे खुद के अपने पीडीएफ रहेंगे जो कि मैं अपना खुद का लेकर बनाऊँगी। ठीक है, तो ध्यान रखना। दूसरा देखो क्या है, शिक्षण सूत्र को परिभाषित किया, एक्सप्लेन करिए। ये जो रूल है इसको एक्सप्लेन करिए, नियम तो कह सकते हैं कि शिक्षण सूत्र विशिष्ट शिक्षा सिद्धांत पर आधारित ना होकर सामान्य ज्ञान और अनुभव के आधार पर बनाए थे। कोई शिक्षण सूत्र का मतलब ये नहीं कि कोई अलग से, कोई अलग चीज़ें हैं, कोई अलग विषय उसी के लिए बनाओ, जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। शिक्षण सूत्र विशिष्ट सिद्धांत पर आधारित नहीं है, कुछ ऐसा कोई डिपेंडेंसी नहीं है। जो नॉर्मल चीज़ें हैं, जो एक्सपीरियंस के बेस पे है, जो हमने पहले सीखा है या अपने बड़ों से जो कुछ सीखा है, उसी के बेस पे ये चीज़ें बनती चली आई हैं। और शिक्षण सूत्र की उपयोगिता अनुभव द्वारा सिद्ध भी हो चुकी है। और जो शिक्षण सूत्र बने हैं, जो मनोवैज्ञानिकों ने बनाकर उसको सिद्ध किया है, उसको प्रूफ भी किया गया है कि हाँ ये शिक्षण सूत्र काम करता है, कारगर है। जितनी बातें उसमें कही गई हाँ वो हूबहू डेली की दिनचर्या में घटित होती हैं। यह अध्यापक को विषय वस्तु की मात्रा क्रम व्यवस्था हेतु दिशा निर्देश प्रदान करता है। ये शिक्षण सूत्र जब इसको शिक्षक विषय वस्तु में यूज़ करते हैं, पढ़ाते हैं, तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं और पढ़ाई क्रम में चलता रहता है कि इसके बाद ये करना है। ठीक है, क्लियर आया। अब फिफ्थ में गए, पता है सिक्स में जाएंगे, सिक्स में गए सेवन में जाएंगे, सेवन में गए एट में जाएंगे, ये पहले से फिक्स है, सब कुछ पता है। तो कहीं ना कहीं ये शिक्षण सूत्र भी उसी तरीके से होता है जो कि आपको सब कुछ पहले से पता होता है और फिर हमें सिर्फ काम उसके ऊपर करना होता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। आइए क्या कह रहा है, पढ़िए आप लोग दो बार। शिक्षण की कोई एक परिभाषा लिखिए, शिक्षण की टीचिंग की कोई एक डिफिनीशन लिखिए। तो आप उत्तर में बताएंगे, लिख सकते हैं शिक्षण का अर्थ होता है सीखना। क्या सीखना? सिखाना, सीखना सिखाना कह सकते हैं, सीखना लर्निंग में आ जाएगा। ठीक है, शिक्षण का अर्थ क्या होता है? सिखाना। हाउ टू टीच, व्हाट टू टीच, ध्यान रखना। ज्ञान देना, ज्ञान देने का मतलब वो वाला ज्ञान नहीं, ज्ञान देना नॉलेजफुल चीज़ें, थॉटफुल चीज़ें, जिसमें कुछ मतलब एक अच्छा ही इन्फॉर्मेशन, सही सूचनाएं, सही गाइडेंस। यह शिक्षा धातु से बना हुआ है। शिक्षा शब्द जो है वो शिक्ष धातु से बना हुआ है, पर शिक्ष छट गया है, धातु से बना हुआ है। यह एक त्रिआयामी प्रक्रिया है, थ्री डायमेंशनल या 3D प्रक्रिया कह सकते हैं इसको, जिसमें एक शिक्षक, एक छात्र, एक पाठ्यक्रम शामिल होते हैं और इन तीनों के बीच में एक संबंध को स्थापित करना ही शिक्षण कहलाता है। जब आप इन तीनों का इस्तेमाल करके इनके बीच में एक संबंध को बना ले जा रहे हैं ना, तो आप शिक्षण कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बच्चा इसको पढ़ने में प्रॉब्लम है या इसको लिखने में, क्योंकि सीरीज़ में बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर इजी दिए हैं, बहुत सारे के टफ दिए हुए हैं, और पवन सीरीज़ के बहुत ज़्यादा टफ दिए हुए हैं, यानी कि थोड़े इजी भी फॉर्मेट लिखे हुए हैं। लेकिन इसीलिए मैं यहाँ पर ये आपको कलेक्ट करके ले आई हूँ कि मैं इस तरीके से आपको करवा देती हूँ, फिर आपको जो याद रहे, जो परफेक्ट लगे, आप उस तरीके से वहाँ पर लिख सकते। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, शिक्षण की दो विशेषताएं लिखिए। अब दो विशेषताएं, तीन, दो से तीन ही मेनली पूछता है, 4, 5, 6, 8 कभी नहीं जाता, हमेशा दो पूछेगा, हमेशा तीन पूछेगा। तो दो तीन छोटी छोटी चीज़ें, उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, तत्व है, और भी कोई चीज़, घटक है, अंश है, हिस्सा है, तो जो भी चीज़ें हैं, पक्ष है, उनको दो दो तीन तीन जो भी चीज़ें हैं, टुकड़ों में जो चीज़ें, उनको याद रखिए। तो दो विशेषताओं में शिक्षण की टीचिंग की कोई बता सकते हैं। पहली, बेहतर संबंध का निर्माण। संबंध किसके बीच है? माता पिता के बीच में नहीं, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम के बीच में संबंध है। तो ये संबंध ध्यान रखना, आपके हर जगह के संबंध से नहीं है, ये आपकी पढ़ाई से संबंधित बातें हैं। उद्देश्य और लक्ष्य की प्राप्ति, अपना ऑब्जेक्टिव बनाओ, अपना गोल बनाओ, अपना एम बनाओ, जो बच्चों का एम है वहाँ तक उनको पहुँचाओ, वहाँ तक उनको ले जाओ, वहाँ तक उनको रास्ता दिखाओ, यही शिक्षण होता है। ठीक है, तो कोई भी आप दो लिख सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि आपको यही दो लिखना, आपको जो याद हो वो लिख दो, नंबर नहीं कटने वाला है, इस बात को ध्यान रखना। आगे याद हो, पाँचवा देखते हैं, संप्रेषण की क्या परिभाषा है। संप्रेषण की परिभाषा क्या है, क्या बताएंगे? तो संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, किसी वस्तु को, किसी चीज़ को, विचार को भेजना है, थॉट को भेजना है, बताना है, किंतु विशिष्ट अर्थ के अंतर्गत समस्त भाव या विचार सम्मिलित है। और इसके अर्थ के अंतर्गत जो सारी भाव हैं, फीलिंग्स है, विचार है, थॉट है, वो चीज़ें इसमें सम्मिलित होती हैं, मिक्स होती हैं, जिन्हें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, जिन्हें एक पर्सन दूसरे पर्सन तक पहुंचाता है और संप्रेषित करता है, बातें बताता है, कम्युनिकेट करता है, विचार साझा करता है। आप अपने एल्डर से, अपने छोटे भाई बहन से बात करते हैं, आप अपने मेंटोर से बात करते हैं कि यार ऐसा कर रहे हैं, अच्छा फ्रेंड से बात करते हैं, आप ये कर रहे थे, यहाँ तक कर रहे थे, फंस गए यार, आप कैसे करें? तो आप कोई बात है, विचार है, बताना है, कुछ भी करना है, इन्विटेशन देना है, कोई भी चीज़ है, तो या कोई चीज़ नई है बतानी है, इमरजेंसी की कोई चीज़, तो बहुत तरीके से हम इसको काम करते हैं। इससे क्या होता है कि काम आसानी से कम समय में हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट, संप्रेषण का उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर तो मैंने आपको एक दो उद्देश्य लिए हुए हैं, तो आपको ये इस तरीके से आएगा कि संप्रेषण के उद्देश्य बताइए, संप्रेषण के उद्देश्य अपने शब्दों में बताइए, लेकिन ये भी आ सकता है कि संप्रेषण के कोई दो उद्देश्य, कोई तीन उद्देश्य लिखिए। तो पहला यहाँ पर कि संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के सामाजिक जीवन में गतिशीलता लाना, एक सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही देखा गया है कि संप्रेषण का मतलब है कि सोशल के साथ जोड़ना, क्योंकि आप कम्युनिकेट हमेशा कम्युनिकेशन वाली चीज़ें जो हैं वो सोसाइटी में सीखते हैं। सोसाइटी में कैसे रहना है, कैसे बोलना है, आप सामाजिक तरीके से चीज़ें इसमें सीखते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमको साहित्य की होती है, सामाजिक में मिलती हैं। तो संप्रेषण का जो मेन उद्देश्य है, जो कम्युनिकेशन हो रहा है, वो आपको यहाँ पर आपके सामाजिक जीवन में आपकी एक्टिविटी बनाना, आपको काफ़ी एक्टिव करना, आप उसमें हर चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हो, सुन रहे हो, अपनी बात को रख रहे हो, अपनी बात को प्रेजेंट कर रहे हो। अगर आप बोलोगे नहीं तो फिर आपको कोई पूछेगा भी नहीं, ये भी ध्यान रखना। सोसाइटी में हो आपको कोई मतलब सारे लोगों के दिमाग में बैठा था, अरे वो तो कुछ बोलते ही नहीं है, तो आपको चाहे कितना भी आता था, अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो कोई फिर आपको पूछेगा नहीं। एक बार, दो बार, तीन बार, चौथी बार भी कोई आपको पूछेगा नहीं। तो ऐसी आपको अपनी छवि वहाँ पर क्रिएट नहीं करनी है। तो पहला उद्देश्य हो गया। दूसरा ये है कि संप्रेषण के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का विचार, भावनाओं का मतलब आदान प्रदान या प्रेषित होता है। जी हाँ, आप बात करते हैं, आप जैसे मेरे से बड़े, मेरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो बहुत सारे एग्जांपल मैं बताती रहती हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी कॉमन होती है हम लोग के घर में कि मिडिल क्लास फैमिली हो, मेनली मैं भी उसी फैमिली से बिलोंग, तो आप देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चाहे पढ़ाई लिखाई की हो, धर्म की हो, डांट की हो, पिटाई की हो, हरकतों की हो, कुछ भी हो, बहुत सारी चीज़ें हमारे लोग की सिमिलर होती है, जो आप भी बचपन में करते थे और मैं भी वही किया करती थी। तो मैं बस शेयर करती हूँ ना, तो या कोई पढ़ाई लिखाई की बात है, या मेरा कुछ अनुभव है वो मैं आपको बताती हूँ, या कोई पढ़ाई लिखाई का और रास्ता। मैं प्लान बी के बारे में हमेशा बोलती हूँ, सोचे चलो कि आगे क्या करना है, क्योंकि वैकेंसी नहीं आ रही थी अभी, तो कोई फिलहाल सीन नहीं, देखते क्या होता है। तो विचार, भावनाएं, कोई थॉट है, कोई न्यूज़ चली या कोई भी चीज़ें, तो उसके बारे में शेयरिंग होती है ना, जो आपके जो सब्जेक्ट से संबंधित है, तो वो चीज़ें हैं। इसी तरीके से हर फील्ड में होती है, हर जगह होती है, हर लेवल पर होती है। तीसरा है, संप्रेषण का उद्देश्य अनुभवी व्यक्तियों द्वारा अपने अनुभव और विचारों को कम अनुभव वाले व्यक्तियों पर, हाँ मेन क्या होता है कि जो लोग एक्सपीरियंस वाले होते हैं, वो जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, जिनको जो चीज़ें नहीं पता है, वो हमें उनके द्वारा पता चलती है। इसीलिए हम लोग पढ़ने जाया करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। किताब तो आपके पास है, किताब आप जाके बुक स्टॉल से लेते हो, लेकिन पढ़ने के लिए वहाँ स्कूल जाते हो। सिर्फ डिग्री वो मिलती है या मार्कशीट मिलती है उसके लिए, क्योंकि वो चीज़ आपको सिखाई जाती है, बताया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हम जैसे हमें एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम एक्सपीरियंस वालों से बातें या वो पॉइंट पूछते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया फ्रेंड्स। देखिए इसी तरीके सिंपल सिंपल है जो आपको आएगा और आपको करना होगा। चलिए फटाफट क्लास को लाइक करें, क्योंकि 10 मिनट हो चुका है। चलिए फटाफट ईच एंड एवरीवन जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, फटाफट लाइक करो, फिर आगे बढ़ेंगे। और ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन मैं आपको डेली करवाऊँगी। 10 से 15 क्वेश्चन मैं डेली हर एक सब्जेक्ट में आपको खुद से बना के पीडीएफ, और पीडीएफ भी टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आज तो मैंने आप लोगों को पोल भी करवाया था, पोल के क्विजेस भी करवाए थे, तो वो भी आपको 10 क्वेश्चन, 10 से 15 जो भी हो पाएंगे वो भी डेली मिलेंगे। 15-15 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। और आपकी वो भी चीज़ें जो भी इस समय के साथ होगी, जब तक एग्ज़ाम नहीं आता तब तक हमें ब्रेक नहीं लेना है। अगर आप लोग को ब्रेक लिए आप लोग तो दिक्कत बढ़ जाएगी, तो आपको ध्यान रखना, ठीक है। फिर आलस घुस जाएगा और जो पढ़ा है ना सब स्वाहा हो जाएगा। इसलिए अच्छे से पढ़ो, ऐसा काम नहीं करने हैं। चलो आगे आ जाओ, 7th पे देखते हैं। तो 7th में कह रहा है, सूत्र से प्रश्न है, ज्ञात से अज्ञात शिक्षण सूत्र का तथ्य बताइए, आधार बताइए, आप क्या समझते हैं वो बताइए। तो नाम से ही बहुत सारी चीज़ें हमें सूत्र में क्लियर हो जाती है कि हमको इसके अंतर्गत क्या देखने को मिलेगा। शिक्षक को पालकों के पूर्व ज्ञान को जांच कर उसी के आधार पर उन्हें नया ज्ञान देना चाहिए। एक अगर कोई टीचर है, पढ़ाने गया है या पढ़ाना चाहता है या पढ़ा रहा है, तो सबसे पहले आपको उस बच्चे से ये पूछना चाहिए कि उसे क्या पहले से पता है। उसे देखना चाहिए कि कितना पता है, उसके बेस पे ही कुछ नई चीज़ों को जोड़कर आपको सिखाना चाहिए। उससे क्या होगा कि वो पहले जो कुछ बात उसको पता है या जो कुछ भी वो जानता है उस विषय वस्तु को उसको वो तो उसको आ ही रही है, और वो जो नहीं जानता है फिर आप उसमें कुछ नए तरीके से उसको सिखा रहे हैं तो उसके लिए आसान होगा, वो सीख जाएगा। और अगर आप डेली जा रहे हैं, मतलब आप जाते बार कुछ नया चीज़ बताने लगे जो उनके सिलेबस में नहीं या उसके बारे में उन्होंने कभी जिक्र भी नहीं सुना, तो वो चीज़ें उनको इतनी आसानी से कम समय या उतने ही समय में नहीं आएंगी और समझ में भी नहीं आएंगी, जितना आप उसको जो ये पता होगी उसके बेस पे कुछ नया सिखा दोगे। तो ये सूत्र हमें यही बताता है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर हमें हमेशा बढ़ना चाहिए। तो आपको जो चाहिए बच्चों को पता है, पहले उस चीज़ को पूछो, उनके मेंटल लेवल को, उनके पढ़ाई के स्तर को जानो, उसके बाद उस पुरानी चीज़ें कुछ नया मिक्स करके उनको नया बताओ, तो वो उन्हें सीखने में आसानी होगी और वो काफ़ी फैमिलियर तरीके से आपसे अच्छे से रिलेट कर पाएंगे और सीख पाएंगे, दिक्कत होने में प्रश्न भी आपसे कर पाएंगे। तो ये एक साधारण सा उदाहरण है, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो देखिए बच्चों के लिए काफ़ी कठिन होगा और नहीं कर पाएंगे। तो आप 1 नंबर में इसको लिख सकते हैं, 2 नंबर में आए तो कुछ आप उदाहरण देकर भी लिख सकते हैं कि आप उदाहरण दे दीजिए यहाँ पर, तो वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा अच्छा हो जाएगा। सूत्र जो आ रहे हैं शिक्षण के, सूत्र या सिद्धांत, उनमें आप उदाहरण ऐसे एग्जाम्पल करके नीचे लिख सकते हैं अलग पेन से, तो वो भी अच्छा रहेगा, नंबर आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। अभिप्रेरणा क्या है, अभिप्रेरणा क्या है, मोटिवेशन क्या है, ये भी आपके सिलेबस में दिया गया है। तो यहाँ पर इसका अर्थ है टू मूव। क्या मीनिंग है टू मूव, जो कि आपको बहुविकल्पी प्रश्न जो आपके वस्तुनिष्ठ आते हैं उनमें आपको टिक करने को मिलता है। तो यहाँ पर कह रहा है अर्थात गति प्रदान करना, उसमें मोशन ले आना, उसमें स्पीड लाना। अभिप्रेरणा का तात्पर्य व्यक्ति की उस आंतरिक स्थिति से, अभिप्रेरणा की अगर हम बात करते हैं तो एक ऐसी कंडीशन से है जो अंदर से पनप रही है। किसी विशेष परिस्थिति में व्यक्ति को अपने लक्ष्य तक, कोई स्पेशल कंडीशन है उसमें अपने एम तक पहुंचाने के लिए उसको क्रियाशील लगती है कि आप उसमें एक्टिव रहो और कार्य को कर सको, आपको कार्य ना बाधित हो। अभिप्रेरणा आंतरिक शक्ति होती है। अगर ये कहे कि एग्जामिनर आपसे पूछे कि अभिप्रेरणा क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि वो एक इंटरनल पावर होती है, वो एक इंटरनल बूस्टर डोज होती है जो व्यक्ति को कार्य करने के प्रेरित करती है। कैसा भी कार्य रहे, अगर वो अभिप्रेरित है, मोटिवेटेड है, तो उनको उतना टाइम नहीं लगा जितना एक अनमोटिवेटेड इंसान को लगेगा उस कार्य को करने के लिए। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सक्सेस होने के लिए, अपने एम तक बच्चों को पहुंचाने के लिए ये काफ़ी कारगर विधि है कि आप उसका इस्तेमाल करके उनको काफ़ी अच्छे अच्छे कार्य करवा सकते हैं, जिससे देश का भी भला होगा, उनका खुद का भी बहुत भला होगा। आगे बढ़िए, 9वां क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो आप कहेंगे कि छात्रों में नेतृत्व क्षमता की और नैतिक और सामाजिक मूल्यों का विकास करना, कि जो शिक्षण का उद्देश्य है, सिखाने का जो उद्देश्य है, जो नैतिक नेतृत्व क्षमता, नेतृत्व हर चीज़ को देखने का अपना नेतृत्व है, उनकी जो कैपेबिलिटी है, स्किल है, नैतिक की जो चीज़ें हैं उसके बारे में, जो सामाजिक मूल्य है, समाज और सोसाइटी में चल रहा है जो, उसका एक डेवलपमेंट करवाना, उसके बारे में सब कुछ बताना। शिक्षार्थियों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, उनको सीखने के लिए एकदम मत आतुर करो या बार बार उस चीज़ के लिए कहो, जिससे वे पढ़ें और अन्य कार्य में रुचि पढ़ें भी, और बहुत सारी और अदर कैरिकुलम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट भी करें, देखें, समझें, सीखें, जाने कि आखिर इसमें है क्या। छात्रों में आत्मविश्वास की भावना दृढ़ करना। अगर आप बच्चों में ये चीज़ डेवलप कर पा रहे हैं तो आप बच्चे को कोई भी कितना भी टफ सेक्शन हो, सब्जेक्ट हो, आप उसको आसानी से सिखा सकते हैं और उनके उद्देश्य तक उनको पहुंचा सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। आगे बढ़ते हैं, शिक्षण के कितने मुख्य उद्देश्य होते हैं। तो शिक्षण के मुख्य 3 भागों में बांट दिए गए हैं। एक ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है, एक क्रियात्मक होता है, एक भावात्मक होता है। तीनों के अपने अलग अलग उद्देश्य होते हैं और तीनों के अपनी अपनी महत्व है, जिनके बेसिस आपको बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। हमसे प्रश्न बनता है तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं प्राकृतिक संप्रेषण में उद्देश्य क्या होता है। अब वैकल्पिक संप्रेषण का उद्देश्य क्या है, इसको कहते हैं एम्स ऑफ इंडिविजुअल कम्युनिकेशन। छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, बच्चों में अलग अलग चीज़ें, कोई काला, कोई गोरा, कोई बहुत तेज, कोई मिडिल, कोई ऐसा, कोई वैसा, ऐसा सब मिलता है। रुचि अलग अलग होती है, उनकी अभिरुचि अलग अलग होती है, उनकी आवश्यकता जो नीड्स है वो अलग अलग, कोई मैथ में कमज़ोर है, कोई हिंदी में, कोई इंग्लिश में, कोई इसमें, कोई उसमें, उनका मेंटल लेवल जो होता है वो अलग होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, वैकल्पिक संप्रेषण का मतलब है कि बालकों के विशिष्ट योग्यता और व्यक्तित्व का विकास करने के लिए संप्रेषण का काफ़ी उद्देश्य महत्वपूर्ण होता है, जिससे हम जैसा जो है बच्चा, उसके हिसाब से उसको सिखा पाए, उसको बता पाए, उसकी आवश्यकताओं को पूरा कर पाए, उसकी जो विभिन्नताएँ हैं, जो बाधाएँ हैं, उपचार कर पाए, ताकि वो चीज़ें को हट जाए, बाधा दूर हो जाए और अच्छे से हर कार्य को करेंगे। आपको तभी हो सकता है जब आप वैकल्पिक संप्रेषण के द्वारा हर चीज़ सिखाने करने का प्रयास करेंगे। तो क्लियर, आगे बढ़िए, इसी के साथ चलते हैं, देखते हैं वैकल्पिक संप्रेषण क्या है। तो जब शिक्षक प्रत्येक बालक को अलग अलग शिक्षण देता है, पर्टिकुलरली जाके सिखाता है, बताता है, तो वह वैकल्पिक संप्रेषण कहलाता है। आगे आइए, शिक्षण के किन्हीं 2 सूत्रों का उल्लेख, कोई भी 2 सूत्र लिखिए। मैंने लिया ज्ञात से ज्ञात की, एक सरल से कठिन की ओर, जो कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि कोई 2 सूत्रों का उल्लेख लिखा, अगर लिखा होता कोई 2 सूत्र बताइए तब तो नाम सही था, लेकिन उल्लेख लिखा है और मैंने उल्लेख नहीं किया है, तो आप जैसे ज्ञात से ज्ञात की ओर लिख रहे हैं तो इसमें कम से कम 3 से 4 लाइन आप लिख दो। ये वाला लिख रहे हो 3-4 लाइन लिख दो, आपको 1 नंबर मिल जाएगा आराम से, और अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़िए, सामूहिक संप्रेषण के 2 दोष बताइए। अब ये संप्रेषण जो हो रहा है तो सब अच्छा ही नहीं होता है, कुछ कमियां भी होती है, वो क्या है। तो यह विधि समय सारणी के अनुसार जो है शिक्षक और छात्रों के बीच को ना एक सीमित कर देती है। फिर आप बच्चा टीचर 50 बच्चों जो जाके सामूहिक तरीके से बता पाए, लेकिन 50 बच्चों के पास वक्त नहीं दे पाएगा। ये विधि जो होती है वो मनोवैज्ञानिक नहीं कही गई है, और इस विधि में शिक्षक और छात्रों के मध्य में कोई संपर्क भी नहीं बन पाता है, क्योंकि एक टीचर है और 50 बच्चे हैं, तो हर बच्चे को जाकर सिखाना, उनसे पूछना, ये इतना आसान नहीं होता है। तो ये बाधाएं भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए संप्रेषण की बाधाएं क्या क्या हैं। अब संप्रेषण है, कम्युनिकेशन है, तो दिक्कतें तो होनी ही होनी है, ये फिक्स है। तो क्या क्या दिक्कत हो सकती है, तो भौतिक हो सकती है, सांस्कृतिक हो सकती है, मनोवैज्ञानिक हो सकती है, तकनीकी हो सकती है। ये ढेर सारे अलग अलग तरीके की विभिन्नताएं आपको बाधाएं हैं जो देखने के आपके कार्यक्रम में आती है, जिससे आपका काम खराब होता है। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चन तक मैंने आज फ्रेंड्स यहाँ पर लिया था। आई होप सो कि आपको बात समझ में आएगी, चीज़ें आपकी आसान हो जाएंगी। 15 तक मैंने करवाया है। पहले आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्वेश्चन आपको अच्छे लगे, इसके आंसर्स जो लिखे हैं वो आसान भाषा में है, सीरीज से भी और बुक से भी, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इसी तरीके के मैं 15-15, 20-20 क्वेश्चन डेली करवाने का प्रयास करूँगी। लेकिन आप लोग के कमेंट बॉक्स में चीज़ें होंगी कि हाँ मैम इस तरह से करवाइए, बताइए, आप सीख लाए हैं, आपके लिए अच्छा लग रहा है, तो ये चीज़ें आपकी होने वाली हैं। क्योंकि बहुत कुछ मैंने है जो रिविजन करके बता दिया है, सब कुछ एक प्रकार से हमने अच्छे से रिविजन करके सब कुछ देख लिया है। तो अब हमको ऐसे क्वेश्चंस को ही करना है। और पेपर का मैं आज फिर क्लास में बोल रही हूँ कि कोई भी एक बच्चा सीरीज से पीछे के जो पेपर्स दिए उसका PDF बनाकर भेज दो, वरना अदरवाइज मैं क्वेश्चन इस बार नहीं करवाऊंगी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप लोग को 3-4 दिन से मैं बात कह रही हूँ, कोई भी एक सिंगल बच्चा नहीं बोला। आप सब झूठी झूठी तारीफ कर दे, एक कही हुई बात पर काम नहीं करते, ना कोई लड़की ना कोई लड़का। तो मैंने कहा कि उसको कोई भेज दो, तो कोई भेजने वाला नहीं। और मैम मर मर के सारी चीज़ करवाए, वो आप लोग को अच्छी लग रही है, गलत बात है ना। मैंने आप लोगों को बोला तो कम से कम कोई बच्चा, एक बच्चा का एक सब्जेक्ट का भी भेजेगा तब भी मेरे पास ढेर सारे आ जाएंगे, मिल जाएगा। लेकिन किसी ने अभी तक नहीं भेजा है कि मैं पेपर आपको करवा दूँ। चलिए ठीक है, जैसे आपकी इच्छा उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।